जी वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM, आपके साथ आपकी प्रेजेंटर मावे शान, और हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिनका हम बड़े दिनों से बड़ी बेताबी के साथ इंतजार कर रहे थे। अर्शद महमूद साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के बहुत ही फेमस, बहुत ही बासलायत गुलकार, जिन्होंने बेशुमार फिल्मी म्यूजिक में भी, फिल्मी गानों को भी अपनी आवाज दी, और इनके और भी बेशुमार सिंगल्स भी हम सुनते रहते हैं। और ये बड़ी जबरदस्त बात है कि इन्होंने नौजवानों को एक मतलब जो ना आज तक भी कहना चाहिए, 10-20 साल आज तक ये हो रहा है कि नौजवानों को एक इन्होंने एक गाना ऐसा दिया हुआ है जिससे उनके सारे के सारे काम निकल जाते हैं। तो ये जबरदस्ती जो है एक इनके थ्रू, इनके गाने के थ्रू लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि भाई गाना गाते हैं और उनका काम बन जाते हैं। तो कहते हैं हम वेलकम अरशद महमूद साहब को अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया 107 खतर, बहुत शुक्रिया सब लोगों का, मेरे लिसनर्स का, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमें टाइम देने के लिए, और हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है आज आपसे बात करने को मिल रहा है और आपसे हम जान सकेंगे। आपके बेशुमार गाने हम सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, अपने प्रोग्राम अपने थैंक शोज में यू। चलाते रहते हैं। तो आज बहुत अच्छा लगेगा कि आज हम आपसे उन गानों के बारे में भी जानेंगे, आपके बारे में जानेंगे। तो सर सबसे पहले तो मैं आपसे जरूर। ये हाँ सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि कैसे आगाज हुआ था? आपको लगता था कि सिंगिंग बचपन से यही वाला शौक था कि आपने सिंगर ही बनना है, या फिर किस्मत आपको लेकर आ गई इस फील्ड में? किस्मत लेकर आ गई थी। अच्छा और जी, जैसे हर माँ को अपना बच्चा जो है ना, वहीदुल्लाह लगता है, नदीम लगता है, शाहरुख खान लगता है। तो मैं भी ये समझता था जब मैं छोटा था, तो मैं भी यही समझता था कि मैं नदीम हूँ या वहीदुल्लाह, लेकिन ऐसा नहीं था। मैं नहायत दुबला पतला सा एक मतलब तो छोटा सा बच्चा, रोड़ी में मेरी पैदाइश हुई है, डिस्ट्रिक्ट सखर सिंध में। सिंह तो मुझे सुनने की हद तक तो शौक था, मैं बचपन में नाते वगैरह पढ़ा किया करता था। तो फिल्मों में हीरो आने का शौक था। अच्छा जबरदस्त। हाँ, तो वही बात हो गई ना कि तो मैं ही समझता था कि शायद मैं कोई बड़ा खूबसूरत आदमी, बहुत खूबसूरत लड़का नहीं हूँ। सर पर्सनालिटी तो आपकी खैर तो अच्छी सर है। बहुत शुक्रिया। तो मैंने काफी कोशिश की, लुबे लुबाव ये कि जब कराची टेलीविजन पे मैं आया, तो काफी सालों के बाद एक एंट्री मिली मुझे अंदर जाने की। तो मैं जब अंदर गया तो वही छोटे छोटे रोल मुझे दे दिया करते थे। तो मैंने कहा यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ रोड़ी से, और मैं ये छोटे छोटे रोल करने तो नहीं आया, मैं तो हीरो बनने आया। तो हीरो की तरफ वो घास ही नहीं डालता था, कोई आने नहीं देता था उस साइड। प्रोग्राम शुरू हुआ वहां पे सिंधी का ही, मेरा स्टार्ट सिंधी से, सिंधी अच्छा लैंग्वेज से जी। तो एक सिंधी का सुनने की हद तक मुझे बचपन से शौक था। मैं बचपन से सुना करता था मेहदी हसन खान साहब को, गुलाम अली खान साहब को, अमानत अली खान साहब को, किशोर कुमार साहब को, मोहम्मद रफी साहब को, इनको मैं सुना करता था बचपन से। तो कहते ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप जब सुनते हैं तो उसको किस तरह से सुनते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आपने गाना सुना और बस निकाल दिया। मैं सुनता था, उसकी बार्किंग करता था कि अच्छा किशोर साहब गा रहे हैं, किशोर साहब गा रहे हैं तो सांस कहाँ ले रहे हैं, खान साहब गा रहे हैं तो सांस कहाँ ले रहे हैं। उस सांस के अंदर जो है वो एक्सप्रेशंस होते थे, वॉइस एक्सप्रेशंस होते थे। तो वो मैं नोट करता था, ऐसे मार्क करके कोशिश करता था कि जिस तरह से इन्होंने गाया इस तरह से गाने की कोशिश करो, लेकिन वैसा तो नहीं गा सकता था, बच्चा था, आवाज इतनी नहीं जाती थी और ना ही मैं सीखा हुआ था। तो उस लिहाज से फिर एक प्रोग्राम शुरू हुआ, कराची टेलीविजन पे हो रहा था ऑलरेडी, सिंधी का था। उसमें मुझे एक गाना गाने का चांस मिला। तो उसके बाद मैं कोशिश करता रहा। तो फिर कुछ एक एक आध साल के बाद एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ मंजूर कुरैशी साहब का, चहचटो, उसमें मुझे चांस मिला। तो उसमें मैंने एक गाना जो गाया, तो वो उस गाने ने मुझे चहचटो की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। वो चहचटो 3 साल तक चला, 3 साढ़े 3 साल तक, और हर हफ्ते उसके अंदर मेरे दो गाने होते थे। एक गाना मुझ पे पिक्चराइज होता था, एक किसी दूसरे आर्टिस्ट पे पिक्चराइज। अच्छा इस तरह से लोगों ने मुझे एज ए सिंगर जो है वो मतलब यस किया। तो फिर मैंने सोचा कि इसको सीखना चाहिए बाकायदगी के साथ। अच्छा वाह जबरदस्त फिर मैं मोहतरम जनाब निसार बजमी साहब का शागिर्द हुआ।
मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, हमारे बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, अजहर हुसैन साहब। अजहर हुसैन साहब मुझे लेके गए बज़मी साहब के पास, उन्होंने मुझे बज़मी साहब का शागिर्द करवाया। वहां से फिर मैंने सीखने का सिलसिला शुरू हुआ, वहां से फिर सिलसिला शुरू हुआ चल सो चल, चल सो चल। तो सही सही पहले तो कोई अंदर अंदर जाने नहीं देता था टेलीविजन में काफी साल तक। जब मैं अंदर गया तो फिर किसी ने निकलने नहीं दिया। क्या बात है सर, जबरदस्त, ग्रेट। यही होती है मतलब जहां पे किस्मत होती है, और फिर बंदे की इतनी मेहनत की, आपने इतने सारे साल इस अपने शौक की नजर की है, आपने लगाए मेहनत की उसके ऊपर बकायदा, और फिर जब आपने सिंगिंग शुरू की तो उसके बाद भी सिर्फ यही नहीं कि मतलब चलो भाई एक गाना गा लिया तो गा लिया, बकायदा अपने निसार बज्मी साहब से सीखा, तो ये बहुत बड़ी चीज है और इसी की वजह से इतनी मकबूलियत भी मिलती है। तो सर पहले तो मतलब वो प्रोग्राम था चय चिट्ठो, अच्छा इसका नाम मैं जानना चाह रही हूँ कि इसके मतलब क्या होते हैं। चय चिट्ठो का मतलब होता है खिल भोग, हंसना हंसाना, जैसे सात रंग, जैसे सात रंग होता था, सात रंग पीटीवी का एक प्रोग्राम आता था, जी जी उस टाइप का ये प्रोग्राम था। सही सही हंसी हंसी मजाक का प्रोग्राम था, कॉमेडी हंसी शो मजाक, था ये, कॉमेडी अच्छा अच्छा सही सही तो उसमें आपका एक गाना प्रोग्राम भी था। हुआ करता था। जी जी सही सही ठीक, तो सर फिर हर दो गाने हुआ करते थे, अच्छा रोज दो मतलब गाने हर हफ्ते, दो गाने हर हफ्ते हुआ करते थे। सही एक सही एक मुझे पिक्चराइज होता था, एक गाना या तो फरीद नवाज साहब पे पिक्चराइज होता था, ये यासिर नवाज के अब्बा जो है, जी 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 यासिर नवाज जो ड्रामों में काम करते जी हैं, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल इनके अब्बा पे पिक्चराइज होता था, या लतीफ मुन्ने पे, या आबिद नबीद साहब पे, और या यार मोहम्मद शाह साहब पे, इस तरह से मुख्तलिफ लोगों पे एक गाना पिक्चराइज होता अच्छा, लेकिन आप फिक्स हो गए थे कि आपका तो होना ही होना है, बाकी दूसरा कोई और होगा। है। सही सही ये बड़ी एक बात है। सही तो सर फिर वो जो अदाकारी ये जरासीम थे वो गए तो नहीं होंगे, तो फिर आपने किस तरह से गाना जब आप इस फील्ड में आ गए, अब नाम बन गया कुछ थोड़ा, तो उसको मतलब वो निकाले कहीं पर, कहीं ऐसा हुआ कि आपने परफॉर्म भी किया हो। देखिए, जब मेरा जब मैं आया था हीरो बनने के लिए, उस वक्त मुझे किसी ने घास नहीं डाला और ना मुझे किसी ने चांस दिया। तो उसके बाद फिर जब मैं मुझे बड़ी खुशी हुई उस वक्त जब मैं 7 साल, तकरीबन तकरीबन 7 साल मैं सिंधी गाया हूँ। तो उसके बाद हमारे बड़े अच्छे शायर, अल्लाह ताला उनको करके रहमत फरमाए, रेहान आजमी, रेहान आजमी की अभी डेथ हुई है। तो रेहान आजमी जो है ना, मुझे राणा साहब के पास ले गए, आरएफ राणा साहब के पास। वो उस जमाने में रंग तरंग होता था प्रोग्राम पीटीवी का, रंग तरंग बड़ा मशहूर प्रोग्राम था, मुख्तलिफ प्रोड्यूसर किया करते थे। तो उन्होंने मुझे एक प्रोग्राम में चांस दिया, मेरे 3 गाने थे उसके अंदर, 2 सोलो थे, 1 मेरा ड्यूट था। वो प्रोग्राम उर्दू का प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिक हो गया। वो क्लिक हुआ तो फिर मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स ने मुझे म्यूजिक के प्रोग्राम्स में लेना शुरू किया। तो अभी कराची टेलीविजन का कोई भी म्यूजिक का ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें मैं शामिल ना हो। तो अच्छा मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई जिस तक तारिक अजीज साहब ने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए एज ए सेलिब्रिटी मुझे बुलाया। एक मेहमान को बुलाते थे ना उसमें, जी जी नीलाम घर में, नीलाम घर में आपको याद बिल्कुल होगा, आप छोटी बिल्कुल छोटी बिल्कुल बिल्कुल छोटी सी बिल्कुल होंगी, आपको याद होगा, उसमें नीलाम घर में एक मेहमान को बुलाया कर। जी बिल्कुल सर तो मुझे उस वक्त बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने मुझे मेहमान की हैसियत से बुलाया। तो मुल्क से बाहर भी पहली दफा मैं तारिक अजीज साहब के साथ ही गया नीलाम घर करने के लिए। 3 शोज किए थे हमने, एक एक दुबई, एक अबू धाबी और एक अलैन थिएटर में। 3 शोज किए थे हमने नीला 86 में, 86 86 सही में। तो वहां से सिलसिला चल निकला। सही और इसी तरह से फिर मैं एक प्रोग्राम में, एक गाना था कि जीना मरना प्यार में कैसा, इश्क ने पहचाना है, सैयद नूर साहब को ये गाना अच्छा लगा, तो सैयद नूर साहब फिर मुझे ले गए लाहौर कराची अच्छा से। सही। चलें सर इस आप सिलसिले के बारे में जो जी आपका चला है माशाल्लाह से गुलकारी का, हम इसके बारे में मजीद जानेंगे, लेकिन मैं चाह रही हूँ, मैं आपसे तो फरमाइश नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पता है आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, और हमने कल दुआ भी करवाई थी तमाम अपने लिसनर से कि आपकी सेहत याबी के लिए दुआ करें, तो मैं बिल्कुल आपको जहमत नहीं दूंगी, लेकिन इस वक्त हम आपका एक सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं, ये सॉन्ग सुनते हैं उसके बाद फिर वापस आते जरूर, हैं मजीद बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
राय जी, हाय छीमो, हाय छीमो, हाय छीमो, क्या बात है भाई, जबरदस्त ट्रैक अर्शद महमूद साहब की आवाज में हमने एंजॉय किया और आपने भी डेफिनेटली एंजॉय किया होगा. मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जिस जमाने में ये गाना रिलीज हुआ था ना, हर तरफ ये सुनाई देता था, और कोई ओकेजन हो, स्पेशली वो जो बसंत के और इस तरह के जो पार्टी वाले ओकेजन होते हैं, तो उसमें तो लाजमी ये हुआ करता था गाना. तो सर, इसके बारे में बताएं मुझे थोड़ा कि ये कैसे आइडिया आया था, क्या था, कैसे ये गाना बन पाया इतना जबरदस्त. ये जो इसके जो शायर हैं वो महबूबुल हसन, ऐसे हम लोग बैठे, मुझे कहने लगा यार अरशद भाई मैं आपके लिए ना एक गाना लिखना चाह रहा हूँ। और जैसे प्यार से हमारी पंजाबी जुबान है ना, ये बड़ी लाडली जुबान है, अगर किसी का नाम है परवीन है तो उसको पीनो पीनो कहना शुरू कर देते, अगर बिल्कुल. किसी का नाम खालदा है तो शीनो शीनो कहना शुरू कर देते। जी सर. तो मैंने एक छीमो पे गाना लिखा, उसका नाम है शमीम, लड़की का, अच्छा. हाँ लड़की की खूबसूरती के ऊपर मैंने गाना लिखा है कि गड्डी आ गई स्टेशन उते छीमो नजर ना आवे, आंख फड़क दी जावे रब्बा आंख फड़क, कहते ना यार आंख फड़क रही अल्लाह खैर करे। हाँ 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 तो वो उसने छीमो की ना छोटी छोटी सी खूबसूरतियां उसके अंदर डाली हैं, तो सही सही. मुझे अच्छा लगा गाना, तो मैंने फिर उसको गाने को पकड़ा और हमने उसको रिकॉर्ड किया, और ये गाना माशाल्लाह बड़ा हिट हुआ। इतना हिट हुआ कि मुझे याद है मैं मैनचेस्टर में एक कॉन्सर्ट कर रहा था 14 अगस्त के हवाले से, तो बहुत बहुत बड़ा क्राउड था, एक पार्क के अंदर शो हो रहा था। ARY जो चैनल है ये उसको अपना रिकॉर्ड कर रहा था, तो वहां के ना वहां का एक गोरा था, वो भी वो कैमरामैन था, वो भी वो बार बार मेरे आगे आके ना कैमरा उसने यहाँ रखा हुआ था, तो जब मैं बोलूँ हाय छीमो तो बार बार मेरे सामने कभी ऐसे है, कभी ऐसे करे, कभी क्लोज में जाए, कभी अरे। तो उसका नाम था डेविड, तो अच्छा. मैंने उसको कहा, मैंने कहा डेविड कम हो, तो मेरे करीब आया तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कम ऑन सिंग विद मी, व्हाट, मैंने कहा हाय छीमो, तो कहता हाय छमो हाय छमो हाय छमो, लेकिन उसने गाया पूरा पूरा तरीके से, और जबरदस्त. मैंने मैंने कहा जितने लोग खड़े थे बहुत इंजॉय किया। बिल्कुल सर. और ये इस गाने को तो मतलब हर एज के बंदे ने, बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर इंसान ने ये गाना बहुत एंजॉय किया है और बहुत चलता है ये गाना. जी सर. तो आ जाती हूँ कुछ. बहुत बहुत जी, और बिल्कुल वैसे जैसे भी आपने कहा कि गोरे ने भी गाया, तो म्यूजिक की वाकई कोई जबान नहीं होती है. मतलब आप कोई भी जबान हो, आपको समझ में बिल्कुल। आती हो ना आती हो, लेकिन आप इंजॉय करते हैं. मैं अमेरिका जब फर्स्ट टाइम गया कॉन्सर्ट करने के लिए 89 में, मोहम्मद इदरीस खान साहब हमारे प्रमोटर थे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे, तो अमेरिका और कनाडा गए, तो उस वक्त हमारे गाने वहां कम कम पहुंचते थे, क्योंकि मतलब इतना कोई नेट का दौर नहीं था, कुछ नहीं था। तो मेरा एक नया नया गाना जो है मैंने एक रिमिक्स किया था, मास्टर जुम्मन साहब को मैंने ट्रिब्यूट दिया था 82 83 में, यार डाढ़ी इश्क आते चलाई, वो उस वक्त मैंने उनको उनकी जिंदगी में मैंने उनको ट्रिब्यूट दिया था। तो ये मैं गाना जो ना मैं गाया करता था फंक्शनों में, तो मैंने वहां भी गाया, तो मैंने उनसे, क्योंकि जैसे आपके पड़ोस में अरबी रहते होंगे, आप पुराने वहां रहने वाले हैं कतर में, आपके पड़ोस में अरबी रहते हैं तो कतरी रहते हैं, तो आपका कोई इवेंट आया तो आपने उनको कहा कि हमारा पाकिस्तानी इवेंट आया, तो आप भी आए हमारा इवेंट आके देखे, तो वो भी जाते हैं देखने के लिए, आते हैं इस तरह आप भी जाते हैं उनके इवेंट देखने के लिए। तो बिल्कुल. वहां पे जो पड़ोसी गोरे थे ना, तो उनको भी उन्होंने कहा कि हमारा इवेंट आया 14 अगस्त का, तो आप लोग भी आए देख, तो गोरे भी आते थे सामने बैठे होते, तो मैं फिर अनाउंस करता था कि भाई आप हमारी लैंग्वेज तो नहीं समझ सकती लेकिन हमारा म्यूजिक आप एंजॉय करें, हमारा बिल्कुल. सिंध का, हमारे पाकिस्तान का जो म्यूजिक कल्चर जो है ये बड़ा ही पावरफुल, चारों सूबों का कल्चर बड़ा, अब तो गिलगित का भी जो उस साइड में जाए तो वहां का भी कल्चर जो है बड़ा, हमारा जो बड़ा पावरफुल है, तो बिल्कुल हमारे सर. पाकिस्तान के जहां जहां कल्चर प्रोग्राम होते हैं आप देखिए बहुत पावरफुल। तो ये मैं गाना सिंधी में वहां गाया करता था, मैं अच्छा. कहता था समझ में आए या ना आए मैं हाँ गाऊंगा, सही बात है. तो और मैं ये गाता तो बहुत ही था, मतलब यार दादी जो कलाम है, बहुत मतलब रूह में उतरने वाला, बहुत ही जबरदस्त है ये. मैं मुझे बड़ा बहुत इस बात बहुत का बहुत अफसोस हो रहा है सर कि आज आपकी आवाज भी ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब है, वरना कभी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको बुलाएंगे तो लाइव जरूर सुनूंगी मैं इंशाल्लाह ये वाला. इंशाल्लाह ईद पे मुलाकात करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल. अच्छा सर, अभी आपने इंटरनेट का जिक्र किया था, तो मेरे पास एक सवाल है अमरजीत सिंह का. उन्होंने कहा गुड आफ्टरनून एवरीवन, हैप्पी वीकेंड टू ऑल. और मेरा आपसे सवाल है, आपको वेलकम करते हुए, कि आपको क्या लगता है ये जो इंटरनेट का दौर है, इसने कितना म्यूजिक बिजनेस के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है?
आवाज आपकी कट रही, क्या कह रही हैं? जी सर, अमरजीत ने आपसे सवाल किया, सबसे पहले आपको वेलकम कहते हैं और फिर कहते हैं कि इंटरनेट ने म्यूजिक के बिजनेस के ऊपर कितना असर डाला है। हाँ, बहुत ज्यादा असर डाला है, क्योंकि एक दौर था कि कैसेट जो है ना, कैसेट का दौर था, इंतजार करते थे कि भाई वो फला दिन हमारा कैसेट रिलीज होना है, तो हम सारी रात हमें नींद नहीं आती, और सुबह अखबार के अंदर जो है ना, जो पंफलेट होते हैं ना छोटे छोटे, कितने जी थे पंफलेट बनवा के, 10,000 20,000 जितना वो होता था उस वक्त, तो सुबह सुबह मतलब रात के 1 बजे अखबार जो है ना बाहर आ जाता था, तो उनको जाके देते थे कि भाई ये 1,000 पंपलेट है, ये डाल देना इसके अंदर, तो वो कहता जी मैं 100 रुपये लूंगा, अच्छा भैया सब, उससे जैसे अखबार शॉर्ट आउट करते थे तो उसके अंदर एक पर्चा डाल देता था, और वो पर्चा होता था हमारे कैसेट में, उस वक्त कैसेट के रिलीज होने का इंतजार किया करते थे। फिर एक दौर आया, कैसेट का दौर खत्म हुआ, फिर सीडी आ गई, फिर सीडी का दौर खत्म हुआ, अब वो सीडी का दौर ऐसा खत्म हुआ, अब सीडी को रिलीज नहीं करता, क्योंकि अगर सीडी रिलीज करते हैं तो 1 घंटे के बाद अब वो सारे गाने आप नेट पे ले लें, बिल्कुल कोई कहता है जी तस्वीरें आपकी ऑलरेडी, हर चीज आपकी नेट के ऊपर है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचाया है म्यूजिक, अब जो ये जो दौर जो है ना, इस दौर ने बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन जिन मुल्कों में पायरेसी के ऊपर जरा कंट्रोल है, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर आज भी थोड़ी सख्ती है, इंग्लैंड के अंदर है वहां पे सख्ती है, वहां पे आप पायरेसी नहीं कर सकते, वहां आपको दूसरे कॉपी नहीं कर सकते, कॉपी राइट्स का बहुत ज्यादा वहां पे, वह हमारे मुल्क में भी है लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, तो इसलिए जिसका दिल आता है वो गाना उठा के गा देता है। अभी मुझे किसी ने एक लिंक भेजा, मेरा एक गाना है, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरा हमको सितारा लगा, बिल्कुल सारा रजा हमारी एक आर्टिस्ट है, उसने गा के डाल दिया नेट पे। अच्छा कम अज कम इतनी कर्टेसी होनी चाहिए कि आप पूछिए जिसका गाना, उनसे कम अज कम इजाजत ले, एग्जैक्टली उनसे पूछे तो सही। बिल्कुल सही कहा मैंने आपने। गाना गाया था ना याद आ रही, तो मैंने मास्टर जुम्मन साहब से जाके इजाजत ली थी, इजाजत लेके मैंने उनकी जिंदगी में उनको ट्रिब्यूट दिया था, तो आप गाइए हम आपको मना नहीं करते, तो सारी जिंदगी हमने थोड़ी गाना, हम भी अपने असातिज़ा के गाने गाते, मैं मैडिसन साहब का, खान साहब का कोई गाना अगर मैंने पीटीवी पे को गाया है, जैसे वो लागीरे मैंने गाया था, खान साहब से इजाजत ली थी जाके, मैडिसन खान साहब से उनके घर पे जाके उनसे इजाजत ली और उनसे जाके दुआएं ली, अल्लाह खुश होता है सिंगर, आपको खुशी से आपको दुआ देता है, बिल्कुल तो कोई भी किसी का गाना अगर करता है तो उसको इजाजत लेनी चाहिए, अगर वो जिंदगी में दुनिया में नहीं है तो उसके किसी बच्चे से ले लो इजाजत, उसके किसी घर वाले से ले लो इजाजत, तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत है, और कोई बात बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं। बात है। अच्छा कमाल शानू ने भी तो मेरा गाना गाया ना, हो सके तो मेरा एक काम, हाँ हाँ बिल्कुल कमाल बिल्कुल शानू ने गाया, हो बिल्कुल सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, बिल्कुल और उसने वहां से उसे टेलीफोन पे मुझसे बात की, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से कहने लगा, बाबा मेरे को नंबर आपका देर से मिला इसलिए आपसे बोल नहीं सका, तो लाहौर आए हुए थे किसी रिकॉर्डिंग के सिलसिले में, तो वहां मेरी बात हुई उनसे, तो अच्छा लगा, अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर आप किसी से इजाजत लेके गाते हैं तो वो तो आप उनके फन की कदर ही कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपको कितना पसंद है, तो ये बिल्कुल करना चाहिए। सर, अभी आपने जी जिक्र किया था देखा जो चेहरा तेरा, और मेरे पास बहुत फरमाइशें आई हुई है, ये बार बार कहा जा रहा है कि अरशद महमूद साहब के ज्यादा से ज्यादा गाने हमें सुनने, क्योंकि हमारे बहुत फेवरेट है, तो हम इस गाने की तरफ मूव करते हैं। जरूर जरूर जरूर। जी, देखा जो चेहरा तेरा, ये गाना जब चलता है तो रोकने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन इस वक्त हमारे साथ इसके सिंगर ही मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उससे उनसे इस सॉन्ग के बारे में जान ले। तो जी सर, ये देखा जो चेहरा तेरा फ्रॉम द मूवी घूंघट, और घूंघट के मकबूल होने में इस गाने का बहुत बड़ा रोल था। ये गाना इतना चला है, इतना लोगों ने सुना कि उसकी वजह से जाके लोगों ने मूवी भी देखी। इसने तो बड़े बड़े रिकॉर्ड कायम किए, एक नादिया एक इस्लामाबाद पीटीवी से एक प्रोग्राम किया करती थी, तो जब 1 साल हुआ तो अरबाज खान के ऊपर उसने क्विज किया और बताया कि जी ये गाना जो है सैयद नूर साहब की फिल्म घूंघट का, ये 1 साल तक नंबर वन की पोजीशन पे रहा है, बिल्कुल 1 साल तक नंबर वन की पोजीशन पे रहा है, और बड़े रिकॉर्ड इसने कायम किए, और इस गाने के साथ भी बड़ी यादें हैं, इस फिल्म के सारे गाने कोई
दूसरे सिंगर गा रहे थे, मैं नहीं गा रहा था, अच्छा मैं दूसरी फिल्म में कर रहा था। इस फिल्म के अंदर मेरा कोई गाना नहीं था। अमजद बॉबी मरहूम ने को अमजद बॉबी मरहूम को सैयद नूर साहब ने कहा कि बॉबी साहब इस सिचुएशन पे एक गाना और बनाए। तो सैयद नूर साहब ने जब कहा तो उन्होंने एक गाना बनाया, तो गाना उनको सुनाई, धुन सुनाई, तो उन्होंने कहा कि ये किसे गवाया जाए। उसने कहा सर ये गाना आप अरशद महमूद से गवाए। कहने ठीक है बुला लो उसको। तो मुझे बुलाया, हमने रिहर्सल वगैरह की, दूसरे दिन हमने ये गाना रिकॉर्ड करवाया। तो जब गाना रिकॉर्ड करवाया तो सारे आ गए मिलने के लिए, मतलब जो रिकॉर्डर्स थे फारूक राय, वो रियाज रहमान सागर, बॉबी साहब, सब ने मुझे गले लगा के प्यार किया। कहने लगे यार इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपका गाना हिट होगा। फारूक राय ने मुझे कहा, कहने लगा मैंने इस फिल्म के 7-8 गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन ये गाना सबसे डिफरेंट, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको पता चलेगा ये गाना हिट होगा। और आप यकीन जाने महवेश के अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानी है कि आज भी मैं दुनिया में कहीं भी जाता हूँ प्रोग्राम करने, तो इस गाने की फरमाइश होती है, हो सके तो मेरा एक काम कर उसकी फरमाइश होती बिल्कुल है सर, आज और भी। मैं आपको ऑफ एयर भी बता रही थी, और ये म्यूजिक ऑन डिमांड मेरा एक सेगमेंट है जिसमें लोग अपनी डिमांड्स भेजते हैं, तो आपके इन दोनों गानों की स्पेशली मेरे पास आती रहती है डिमांड कि ये वाले सॉन्ग्स प्ले करें, तो बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि कितने साल हो गए, मेरा ख्याल है कोई 20 साल से ज्यादा हो गए होंगे इस मूवी को रिलीज हुए हुए। 95 जनवरी 95 में ये फिल्म आई थी घूंट, 25 साल हो गए, तो पच्चीस हिसाब साल के बाद लगा भी ये गाने बिल्कुल 25 साल के बाद भी ये गाने आज भी जिंदा है। अच्छा सर, तो ये फिल्मी सफर कैसे शुरू हुआ था? वो आपने जब प्रोग्राम किया, जो म्यूजिकल प्रोग्राम्स होते थे, तो उसके बाद फिल्म में चांस, पहला चांस कब मिला था आपको? एक्चुअली। मैंने बताया ना कि जब वो एक गाना सैयद नूर साहब को मेरा पसंद आया था, तो वो मुझे लाहौर ले गए थे। तो नूर साहब अपने घर पे ही मुझे छोटे भाइयों की तरह उन्होंने रखा, और ऊपर का पोर्शन जो है मेरे लिए उन्होंने खाली करवा के, और वो अटैच बाथरूम था, वो छोटा टीवी रखवाया उस दौर में, और एक छोटा सा टेप वो था, इतने मोटे कैसेट उसके अंदर लगते थे, तीन तीन ना, वो क्या कहते हैं उसको, वीसीआर, छोटा वीसीआर या वीसीआर ऐसा कुछ था। तो सर्दियां बड़ी थी उन दिनों जब मैं गया, फिल्म मैं उनकी करने के लिए था, कसम फिल्म करने गया, फिल्म कसम, उसके अंदर बहुत लोग नए थे, मैं पहली दफा, सैयद नूर साहब एज ए डायरेक्टर पहली मर्तबा, अच्छा सलीम शेख हीरो पहली मर्तबा, जावेद शेख का छोटा भाई, जी जी इरम हसन हीरोइन पहली मर्तबा, तो सही। काफी लोग उसके अंदर पहली मर्तबा थे। तो बहरहाल बड़े अच्छे उसके गाने हुए। पहला गाना मैंने मेहनाज साहिबा के साथ गाया, तो बड़े अच्छे गाने हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म जो है नहीं चली इतनी, तो गाने बाहर नहीं आए हमारे, उसकी वो इतनी हवा नहीं निकली गानों की। और उस वक्त FM 100 भी नहीं था, और FM 100 की वजह से जो है ना, देखा जो चेहरा तेरा, और हो सके नया नया FM 100 आया था, तो लोगों को रेडियो के करीब जो है FM 100 दोबारा लेकर आया, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली लोग दूर चले गए थे। तो बहरहाल उसके बाद मैं वापस आ गया कराची आके, मैंने जब आया तो असलम नाथा साहब ने फिल्म शुरू की थी आज का दौर, उसके मैंने गाने गाने थे सारे, कमाल अहमद साहब का म्यूजिक था, वो सारे मैंने गाने गाए। तो मुझे रात को उन्होंने बुलाया, तो कहने लगे कि भाई आप हमारी फिल्म के हीरो भी हो। मैंने कहा, मैं सोचा, मैंने कहा जब मैं हीरो बनने के लिए आया था, मुझे किसी ने हीरो बन मेरे कहा से डाली, आज मुझे कह रहे हैं कि तुम इस फिल्म में हो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि नाथा भाई मैं तो भी इसमें गानों में मैं बिजी हूँ, मैं जाता हूँ हर साल, मेरी एक कॉन्सर्ट होती है अमेरिका में, एक होती है इंग्लैंड में, और एक होती है यूरोप में, फिर मुख्तलिफ जगहों पे जाता हूँ मैं, तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे सकता। तो मुझे डायरेक्टर साहब को बुलाया, उन्होंने कहा कि इनको बताओ स्टोरी बताओ। उन्होंने मुझे स्टोरी जब बताई तो बड़ी जबरदस्त थी, तो मुझे अच्छा उन्होंने कहा कि कुछ मूवीज ऐसी होती है कि जो हीरो के हीरो का किचन चलाते हैं, और कुछ मूवीज ऐसी होती हैं जो उसकी लाइब्रेरी में रहती है, ये फिल्म आपकी लाइब्रेरी में रहेगी आप करो। मैंने फिर 1.5 घंटे, 1.5 महीने की टोटल शूटिंग, और वो पूरा प्रोसेस था, मैंने सारा काम बंद करके मैंने प्रॉपर इनको टाइम दिया, और
हमारे यहाँ तो कोई एकेडमी थी नहीं, मेरी पहली फिल्म थी, तो मैंने दिलीप कुमार साहब की फिल्में मंगवाई, वो वाली फिल्में जिसमें उन्होंने नाबीना का रोल किया था। अच्छा, मैंने उनकी फिल्मों को, जी मैंने उनकी 3-4 फिल्में जो हैं वो बस एक हफ्ता मैंने किसी से कोई बात नहीं की, घर में बैठ के उन फिल्मों को मैंने वॉच किया कि दिलीप साहब जो है नाबीना, फिर मैं नाबीनों को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कि वो किस तरह चलते हैं, क्या मूवमेंट होती है। उसके बाद फिर मैंने जब पहला सीन दिया है, तो पहला सीन एक ऐसी जगह पे था, जब वो सीन उन्होंने कहा ना कि ओके, तो ऊपर गैलरी में ना वो लोग खवातीन और ये सब देख रही थी। अब एज ए सिंगर तो मैं मतलब लोग मुझे जानते थे, तो उन्होंने कहा अक्षत महमूद की शूटिंग हो रही है, तो उन्होंने ना ऊपर से पैसे लगे खुशी से। अच्छा। क्योंकि वो एक रोल मेरा उसके अंदर एक फकीर का होता है, बैकर सिस्टम के खिलाफ ये फिल्म कि जी हमने भीख नहीं मांगी, उसके खिलाफ फिल्म दी है। सही। तो वो फिल्म माशाल्लाह इतनी हिट हुई कि मुझे पहली फिल्म पे 2 निगारे अवार्ड मिले, ग्रेट, बेस्ट प्लेबैक सिंगर और बेस्ट एक्टर। ग्रेट, फिर उसके बाद चल से चल चलते रहे, अल्लाह जबरदस्त। ने फिर मुड़ के देखने की फुर्सत ही नहीं दी, बिल्कुल फिर मैं सब। लाहौर शिफ्ट हो गया कुछ अर्से के लिए, हाँ, वहां काम करता रहा। उसके बाद फिर चूंकि जहां जहां अल्लाह पाक ने रिस्क लिखा होता वहां पहुंच जाते। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मैं सवाल अपने लिस्टनर्स में से चाह रही हूँ आपसे पूछना। तो इन्होंने, असमत आफरीदी का सवाल है, उन्होंने आपसे कहा है कि अरशद महमूद साहब को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं, सर आपको अल्लाह बहुत अच्छी सेहत के साथ सलामत रखे। और बहुत मेरा शुक्रिया सवाल, आपका। जी मेरा सवाल यह है कि आप बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं और आपने बहुत जबरदस्त सॉन्ग हमें सुनने को दिए हैं, तो लाइक हो सके तो मेरा एक काम करो, देखा जो चेहरा तेरा, और भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं आपके, तो इतनी सक्सेस के बावजूद आप इतनी जल्दी काम क्यों आपने छोड़ा? मतलब कोई खास वजह थी? आप कम कम नजर आते हैं। और उन्होंने इसके साथ ही आपको कहा थैंक यू सर, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। देखिए जब नए आते हैं तो पुराने थोड़े से पीछे चले जाते हैं, क्योंकि एक दौर होता है, यूथ जो है ना वो यूथ को ही लाइक करता है। बेशक आवाज जो है, आवाज तो देखिए जितने जो ये जो लोग हमें सुनते हैं, ये सारे के सारे जो है वो घर से या क्लासिकल सीखे हुए नहीं है, जो उनको अच्छा लगता है वो सुनते हैं। तो जो आजकल का जो यूथ गाना है वो उनके गाने उनको पसंद हैं, तो वो उनको भी उनको सुनते हैं। हर सिंगर की अपनी एक ऑडियंस है, तो जब नया आता है तो पुराना थोड़ा सा पीछे चला जाता है। जब हम आए थे तो हमारे सीनियर जो थे वो थोड़े से पीछे हुए थे, जब हमारे जूनियर आए तो हम थोड़े से पीछे हुए हैं। तो अब सारी जिंदगी हमने तो नहीं बैठ के गाना, नए आएंगे तो आके जगह लेंगे और अच्छा से अच्छा गाएंगे। और मेरी दुआ है कि ये जो हमारे बच्चे आते हैं, नए नए सिंगर आते हैं गाने के लिए, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे। ये हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारे मुल्क का नाम है, इनकी वजह से हमारा मुल्क का नाम होता है, और अल्लाह इनको और तरक्की दे और अच्छा गाए। लेकिन हम जितना गा सकते हैं उतना गाते हैं। अभी मेरा एक महीना पहले मैंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया, पंजाबी का है, कि जी, दिल लाया नहीं जाना, जी सर, बिल्कुल दिल लाया नहीं जाना, बिल्कुल यूट्यूब पे है, तो आप बताइएगा लोगों को ये गाना, ये बिल्कुल सुनेंगे। सर। और मैंने मैं एक चाह महीना रही हूँ, पहले गाया है। जी बिल्कुल, अभी इसी के बारे में मैं बात भी करना चाह रही थी कि न्यू सॉन्ग है तो हम ये सुनते भी हैं। और इसके साथ ही लिसनर्स, आपको मैं बताती चलूँ कि इसकी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे इसका लिंक मौजूद है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने अकाउंट पे आरजे मावेश खान पे किया भी अपलोड, तो आप बिल्कुल जाके देख भी सकते हैं। और इस दौरान सर क्या ख्याल है, सुनवाएं फिर लिसनर्स को आपका न्यू सॉन्ग? जी बिल्कुल सुनवाइए, बिल्कुल सुनवाइए। चले तो फिर हम लगाते हैं आपके लिए सॉन्ग। लिस्टर्स, आपके कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है, क्योंकि अरशद महमूद साहब अभी हमारे साथ हैं। जी लिस्टर्स, दिल लाया नहीं जाना, जो कि लेटेस्ट रिलीज है अभी अरशद महमूद साहब का, इसको आपने सुना और डेफिनेटली इंजॉय किया होगा बहुत ज्यादा। और तमाम लोग जो कि सुनते रहना चाहते हैं अरशद महमूद साहब को, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रीट भी साबित होगा ये। जी सर, तो ये सॉन्ग हमने सुना, बहुत ही जबरदस्त कमाल का सॉन्ग। थैंक यू वेरी मच। ये अभी 1 महीना पहले ही हमने डाला है, 1 महीना पहले ही रिकॉर्ड किया है। अभी और नए गाने रिकॉर्ड हो रहे हैं चले जो सर, उनका भी कि बिल्कुल इंतजार है हमें। जी, आने उनका वाले भी। दिनों में ए आर वाई म्यूजिक पे जो है ना एक नया प्रोग्राम शुरू है, पंजाबी और सराइकी गाने जो ना, तो मेरा एक कॉन्टेक्ट हुआ उनके साथ सराइकी सराइकी जुबान में,
सराइकी जुबान में भी मैं इनको गा के ना कुछ गाने दूंगा इंशाल्लाह, आप सुने, आप लोग सुनेंगे, आपके रेडियो पे भी भेजेंगे, स्पेशली मैं भेजूंगा आपको, तो ठीक है आप सर, जो हमारे लिसनर उनको सुनाइएगा, इंशाल्लाह बिल्कुल उनको अच्छा लगेगा। मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके लिसनर का जो मुझे सुनते हैं, मेरे गानों के लिए फरमाइश करते हैं, जी उनका सर, शुक्रिया सर बहुत। बिल्कुल सर, मैं लिसनर्स के अपने सवाल शामिल करना चाह रही हूँ। अमजद इकबाल साहब ने आपको सलाम और वेलकम कहा है 107 FM पे। इसके साथ ही सरदार वाजिद नसीम, अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे आजकल के सिंगर्स की, तो उन्होंने पूछा आजकल के दौर का कौन सा सिंगर आपको बहुत पसंद है। मेरी बात कर रहे हैं, मुझे कौन सा पसंद है? जी जी सर, आपको कौन सा पसंद है? देखिए मुझे जो अच्छा गाता है वो पसंद है, किसी एक का नाम मैं नहीं ले सकता, जो अच्छा गाता है मुझे पसंद है, जबरदस्त, ग्रेट। और जो भी मेरे मुल्क के लिए अच्छा गाता है, मैं मेरे लिए बहुत मोहतरम है, सही। अच्छा वो अनवर अच्छा अहमद गाता है आपसे, तो लोग उसको सुनते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन मैंने सर कहा वो कोई अच्छा एकाध को, गाता कोई है। नाम हो, कोई एकाध कोई नाम हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, जिसकी करना चाहें आप तारीफ अभी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेहदी हसन खान साहब हैं, एन नैयर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से थे, बहुत अच्छा गाते गाते थे। नैयर साहब दुनिया में नहीं रहे, उनके साथ टूर का भी बहुत मजा आया, उनके उनके वोकल का भी मजा आया, उनके टूर का भी मजा आया, बहुत ही रौनकी आदमी थे, अल्लाह पाक उनको अपने जरिए रहमत फरमाए उन पे भी। तो अच्छे सिंगर हैं बहुत सारे, बेशुमार हैं आपके, जो मेरे अच्छे दोस्तों में से भी थे, नुसरत फतेह अली खान साहब, उनसे मेरी अच्छी दोस्ती भी थी, और उनके उनके तो खैर क्या बात है, और सही उनके बात है साथ सर, बैठ के गपशप भी बहुत अच्छी होती थी, बिल्कुल सही बात है तो सर बहुत मुझे पसंद है, बहुत जी, पसंद है मुझे। सही। अच्छा अनवर अहमद ने एक तो ये आपसे सवाल किया है कि आपके आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किसकी मिली, और इसके बाद इन्होंने ये भी पूछा है आपसे कि आपकी फैमिली में कोई इंटरेस्टेड है कि सिंगिंग को कंटिन्यू रखे। कोई नहीं, मेरे दो ही बच्चे हैं, और एक जमाने में मैंने एक वो कमर्शियल गाया था, आज के दौर में दो बच्चे पल जाए तो हैं अच्छे, फिर उसके बाद ये फानी साहब ने मुझसे गवाया, फिर उसके बाद फिर ये कमर्शियल पे किसी और से भी गवाया उन्होंने, वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता, तो वहां से फिर सोच लिया कि बच्चे दो ही अच्छे, तो सही, सिर्फ बच्चे पैदा कर लेना ये बड़ी बात नहीं है, उनकी बिल्कुल नशोनुमा, उनको पालना, उनको जो है पाल पोस के जवान करना, ये मुश्किल काम होता है, तो बहरहाल अल्लाह ताला की देन है। एक मेरी बेटी है माहीन अरशद, और अब वो माहीन रिजवान हो गई है, वो मैनचेस्टर में रहती है, उसका एक बेटा है मुर्तजा भट्ट साहब, और मैंने उसको ना एक अभी गई है 1 महीना हुआ है वापस गई है, तो उसका जो बेबी ढाई पौने 3 साल का, तो मैंने ना उसको मैंने उसको कहा कि ऐसे करो ऐसे करके ना बोलो साईं मुंजा, तो आगे से कहता साईं मुंजा, तो जब ये जा रहे थे, ये पक्का कर लिया उसने, जब जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे कुछ दोस्त आ गए, मुझसे तस्वीरें तो खिंचवा रहे, तो इसकी तरफ तवज्जो नहीं थी ना, तो ये देख रहा कि मेरी तरफ तवज्जो नहीं है, तो उनकी तो अपनी तरफ तवज्जो कराने के लिए ना, तो बीच में आके खड़ा होके वो कहता कहता साईं मुंजा, तो एक बेटा है मेरा दानियाल अक्षर, और वो कराची में ही होता है, तो सर मतलब बाकी किसी का इरादा अभी नहीं है फिलहाल, सही। अच्छा और इसके साथ किसी का। अर्जुन जी, अर्जुन रॉय ने आपसे पूछा हुआ है कि सर कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका एक ही टेक में चला गया, फौरन फौरन से आपने गा दिया, कोई ऐसा गाना? मेरे ख्याल बेशुमार होंगे, है ना, एक ही क्या, एक ही देखिए एक ही टेक में, मतलब एक साथ ही आपने गा दिया फौरन से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे हैं कई गाने हैं, ऐसे है ना, बेशुमार होंगे ऐसे बिल्कुल। ऐसे कई, हाँ ऐसे काफी सारे गाने हैं कि जो मतलब जब, क्योंकि पहले जो है ना वो एक ही टेक में वन टेक गाना होता, आपने शुरू किया तो एंड में खत्म होना है, अगर एंड में थोड़ी सी भी गलती होगी ना, जरा सा भी एक लफ्ज गलत हो गया तो पूरा गाना दोबारा होता था, तो इसलिए एक ही टेक में गाने हमने बहुत सारे गाए पीटीवी बिल्कुल पे, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त पंच
पंच का मार्जिन नहीं होता था, अब तो एक एक लफ्ज मार्जिन आप पंच करके एक लफ्ज चेंज कर देते। बिल्कुल, तो मैं तो बहुत गाया माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल मुझे अंदाज है। अनवर अहमद ने चीमो जो गाना था उसको बहुत ही पसंद किया, उन्होंने कहा कि बहुत ही मजेदार इंटरव्यू और सबसे मजेदार जो चीमो चीमो गाना मुझे लगा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। और अंबर वहीद ने आपसे एक तो थैंक वही यू। वाला सवाल किया हुआ है कि आप सिंगिंग आगे मतलब फ्यूचर में क्या प्लान है, तो गाने तो आ रहे हैं अंबर इनके, और इसके साथ ही फ्यूचर उन्होंने में कहा जी है। जी नए जी गाने आ रहे हैं मेरे, पंजाबी जी और जी सराइकी के गाने आ रहे हैं, उर्दू के भी आ रहे हैं, बिल्कुल उर्दू के भी चलिए, आ रहे हैं, और नए गाने आ रहे हैं इंशाल्लाह। ईद पे आपको काफी सारे गाने मिलेंगे मेरे पास, जबरदस्त ग्रेट ऑडियो सर, वीडियो दोनों मिलेंगे। थैंक बहुत जबरदस्त सर, और हमें बिल्कुल इंतजार भी रहेगा और आपके गानों का हमेशा ही बेताबी से इंतजार रहता है, तो बिल्कुल हम सुनेंगे। तो सर मैं यू। लास्ट में चाहूंगी कि आप हमारे जितने भी लिस्टर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें, और आखिरी ट्रैक हम आपका हो सके तो मेरा एक काम करो ये भी चलाएंगे, और बस इस चीज की थोड़ी सी जरूर कसक है कि आज आपसे सुन नहीं सके लाइव, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो पूरी हो जाएगी। मैं चंद चंद लफ्ज जो है ना अपने लिसनर्स जो सुनने के लिए बैठे हुए हैं, मेरी तबीयत सेट नहीं लेकिन मैं उनकी नजर करता हूँ। हो दिल तो पहली नजर में ही तुम्हारा हुआ, दिल तो पहली नजर में ये तुम्हारा हुआ, तुम हो जीते हुए और मैं हारा हुआ, मेरे जज्बात का एहतराम करो, शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो। सर बहुत आखिर बहुत शुक्रिया में जी, मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जहां जहां जितने भी लोग रहते हैं पाकिस्तानी हमारे, और पाकिस्तानियों के अलावा भी जो लोग रहते हैं जो एक प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं, बंद मुट्ठी की तरह रहते हैं, तो बंद मुट्ठी की तरह रहे तो उसमें ताकत बनती है, और यकजहती के अंदर जो है बहुत ज्यादा ताकत है। पाकिस्तान जब बना था तो चारों सूबों के हर सूबे की अपनी एक अहमियत थी, अल्लाह ताला ने भी यकजहती की बात की है। सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, बलोच है तो पाकिस्तान की सोच है, पठान है तो पाकिस्तान की उठान है, और पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है। हम सबको आपस में इस तरह से मिलजुल के रहना चाहिए कि जिस तरह से आसमान पे सितारे और कुरान में सिपारे, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच, तमाम लोगों का शुक्रिया, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब लोगों के लिए मैं कहूंगा कि हाय नमस्ते, सत श्री अकाल, जींदे रहो, मिलजुल के इसी तरह से प्यार मोहब्बत से रहो, पाकिस्तान जिंदाबाद और कतर पाइंदाबाद। जबरदस्त है। और सर हमारी तरफ से आपके लिए बेशुमार दुआएं, बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको बिल्कुल सेहत के साथ बहुत लंबी जिंदगी अता फरमाए, आपका साया हमारे सर पे सलामत रखिए, और इसी तरीके से आप अपना शुक्रिया जैसा म्यूजिक है वो हमारे लिए लेकर आते रहें। आप जैसे जो सीनियर्स हैं, स्पेशली मैं ये जरूर कहना शुक्रिया चाहूंगी कि सीनियर्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप लोग बहुत ही हम लोगों को वो भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, और इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ, अल्लाह आपको माय बहुत खुश प्लेजर रखे। थैंक यू सर, माय प्लेजर माय थैंक यू, प्लेजर माय इंशाल्लाह प्लेजर। फिर आपसे अल्लाह बात हाफिज करते हैं, अपना बहुत ख्याल जी, जरूर, रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। जी सर, थैंक यू सो मच सर, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं आपके, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत जी का ख्याल रखिएगा। जरूर, थैंक बहुत यू सर, शुक्रिया, आपका बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज।